गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पे सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने ग्रामर का टॉपिक शुरू किया हुआ है। हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जो तीन पार्ट है हम कर चुके हैं। आज जो हमारा फ्यूचर के हम दो पार्ट कर चुके हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटीन्यूअस। आज जो हमारा तीसरा जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्या नाम है उसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हम इसका तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि कोई भी हम टेंस यूज करते हैं तो उससे पहले उसकी पहचान जरूरी है कि उस टेंस को जब हम करेंगे तो उसकी पहचान क्या है। तो पहचान में इसमें हम बता दें आपको कि जिन वाक्यों के अंत में, यानी कि क्रिया के अंत में, और कौन से वाक्य हो? हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में चूकूंगा, चूकेंगे, चूकेगा या चुकेगी इत्यादि होता है, वहां पर उसको ट्रांसलेशन करने के लिए हम इंग्लिश का प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो इस टेंस का प्रयोग है वह फ्यूचर के अंदर जो कोई कार्य है, हमारा एक्शन है, उसको खत्म होने के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो उस समय काम कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, जैसे वह खाना खा चुका होगा या वह हम स्कूल जा चुकेंगे। ठीक है, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो अगर इसकी बात करें सहायक क्रिया, ठीक है, जैसा कि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस के अंदर हमेशा सेल और विल का प्रयोग होता है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर जो एक हेल्पिंग वर्ब लग रही है साथ के अंदर, वो है हैव। सेल हैव और विल हैव इसकी सहायक क्रिया होगी। अब जैसा कि हमें पता है कि सेल के बाद या विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो जो यहाँ पर हैव लगाया है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है, हैव, हैड, हैड। ठीक है, उसके बाद जो इसकी मुख्य क्रिया है, यानी कि मेन जो वर्ब है वो होती है, आपको पता है कि हैज, हैव के बाद, हैड के बाद भी हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और किसके बाद? शैल हैव और विल हैव के बाद। ठीक है, तो इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर है, जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का है, वो आप देख लीजिए। आप अपनी कॉपी पेन को उठाएं और उसको साथ के साथ नोट करें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सबसे पहले उसके अंदर सब्जेक्ट, कोई भी अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं? हम सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता, कार्य को करने वाला, तो इसमें भी हम सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? शैल हैव या विल हैव, इन दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे हम। जैसे फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और विल के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, और बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे, यानी कि विल हैव का। उसके बाद यानी कि सब्जेक्ट हो गया, शैल हैव या विल हैव में से दोनों में से एक आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह, यानी कि अदर वर्ड्स जो इसके बाद ही वो आएंगे। तो जैसे हमने एक वाक्य लेते हैं, हम स्कूल जा चुकेंगे, यानी कि फ्यूचर के अंदर बातचीत हो रही है कि हम स्कूल जा चुके होंगे। तो इस प्रकार के जो वाक्य बनाएंगे हम, पहले हम का मतलब वी, ठीक है, और वी के साथ शैल हैव, वी शैल हैव, और जाना, जाना की वर्ब आपको पता है गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गो, वेंट, गोन, वी शैल हैव गोन, और कहां? टू स्कूल। इस प्रकार हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, आप भी ऐसे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए और उनको ट्रांसलेट कीजिए। उसके बाद जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों के अंदर कुछ चीज की मनाही की गई होती है कि हम वहां तक नहीं जा चुकेंगे, तो ये इस प्रकार के वाक्यों में हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमने सिंपल सेंटेंस में जैसे लिया था ना, शैल हैव और विल हैव,
तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय एक चीज ध्यान में रखेंगे कि सेल हैव के बीच में हम नोट लगा देंगे, विल हैव के बीच में हम नोट लगा देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगी अपनी, शैल नोट हैव, विल नोट हैव। स्ट्रक्चर वही रहेगा जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं हम, बस बीच में हमें नोट ऐड कर देना है, शैल हैव के बीच में या विल हैव के बीच में। तो उसका जो फॉर्मेट है लिखे वो, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल नोट हैव या विल नोट हैव, बाकी सेम रहेगा सिंपल वाला ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स, और अंत में फुल स्टॉप लगा देंगे। क्लियर इतना, इनके सिंपल सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में कितना अंतर है, सिर्फ नोट का ही अंतर है, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है, इसके अंदर बस नोट लगाना है हमने, और वो नोट किन के बीच में लगाना है, सेल हैव और विल हैव के बीच में, बाकी हमारा सेम रहेगा। तो जैसा हमने पहला सेंटेंस बनाया था, वी शैल हैव गो टू स्कूल, तो इसमें क्या चेंज हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के अंदर, वी शैल नॉट हैव गो टू स्कूल, और अंत में लगा देंगे फुल स्टॉप। इसके बाद अगर बात करें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की, यानी के प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि सिंपल का जो स्ट्रक्चर था क्या था, पहले सब्जेक्ट फिर शैल हैव या विल हैव, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना है, और वो चेंज क्या करना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव या विल हैव, हम उसको सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे और अंत में लगा देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, कैसे, सबसे पहले शैल या विल को हम लगाएंगे, पूरा नहीं लगाना है हमने, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव और विल हैव, उसमें से क्या करना है अपने, सिर्फ शैल को या विल को आगे लेके आना है सब्जेक्ट से पहले, कैसे, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और हैव हमारा वही रहेगा, ठीक है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ आया, एक बार और बता देते हैं कि जो हमारा सिंपल स्ट्रक्चर था, सिंपल स्ट्रक्चर में क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट था, फिर शैल हैव और विल हैव था, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना है, सिर्फ शैल और विल को आगे लेके आएंगे, शैल और विल को सब्जेक्ट से पहले, तो क्या बन जाएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 और उसके बाद अदर वर्ड्स। जैसे हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको हम सिंपल सेंटेंस बना देते हैं पहले, इसमें क्या चेंज बनेगा कि क्या हम स्कूल जा चुकेंगे, तो वाक्य के शुरू में क्या शब्द आएगा, क्या, ठीक है। अगर क्या शब्द जो वाक्य के बीच में आता है तब हम लगाते हैं व्हाट, और अगर आता है शुरू में क्या वाक्य के शुरू में ही, तब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, और इसमें क्या है हेल्पिंग वर्ब, वी शैल हैव, तो हम क्या करेंगे इसका, इसमें कर देंगे हम शैल वी हैव, बस ये चेंज करना है, शैल वी हैव, बाकी गोन टू स्कूल, और अंत में क्या लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्लियर। इसके बाद देख लेते हैं हमारा अंतिम जो फॉर्मेट है, इंटरोगेटिव सेंटेंस प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि वाक्य के अंदर प्रश्न तो पूछा गया है लेकिन नहीं भी साथ में प्रयोग किया गया है, क्या हम स्कूल नहीं जा चुकेंगे, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनमें हमें क्या देखना है, सिर्फ हम देखेंगे अपना जो नेगेटिव सेंटेंस का हमने नियम बनाया था, क्या था, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट हैव, विल नॉट हैव, V3 अदर वर्ड्स, और इसके अंदर क्या दे रखा है, नेगेटिव तो है ये लेकिन इंटरोगेटिव भी है, तो हम क्या करेंगे इसको, नेगेटिव सेंटेंस वाले में से हम सिर्फ शैल को और विल को आगे ले आएंगे, बाकी हमारा सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कैसे, सबसे पहले शैल या विल, अभी इंटरोगेटिव में ऐसे क्या था, फिर क्या करा था हमने, सब्जेक्ट, और फिर क्या लगा था हमने, इसके अंदर हैव था जैसे, तो हम यहां पर लगा देंगे नॉट हैव, नॉट हैव,
वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स और ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन मार्क के पीछे लगा देंगे। उदाहरण देख ले, उदाहरण हमने लिया था इसका, वी शैल नोट कि हम स्कूल नहीं जा चुकेंगे। और अब हमने क्या बनाया है, क्या हम स्कूल नहीं जा चुकेंगे, तो हम सिर्फ सेल को आगे ले आते हैं, तो वाक्य क्या बन जाएगा हमारा, सेल वी नोट हैव गोन टू स्कूल और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो देखते हैं हम, पहला हमारा वाक्य है वह पत्र लिख चुकेगा, ठीक है, तीन वर्ब आपको ना सॉरी पहचान आपको दिखाई दे रही है कि चुकेगा आ रहा है वाक्य के अंदर, तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, वह, वह की जो इंग्लिश होती है यानी कि वह को क्या बोलते हैं हम, ही, ठीक है, प्रोनाउन है हमारा ये, वह पत्र लिख चुकेगा। और आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद हम क्या लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, विल हैव, विल हैव क्यों आया, क्योंकि ही क्या है थर्ड पर्सन है हमारा और थर्ड पर्सन साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, तो ही विल हैव। और उसके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लिखना, लिखना की वर्ब की पहली फॉर्म होती है राइट, सेकंड होती है रोट और थर्ड होती है रिटन, तो ही विल हैव रिटन और बाकी ऑब्जेक्ट क्या बच गया हमारा, पत्र यानी के अ लेटर, तो वाक्य बनेगा ही विल हैव रिटन अ लेटर। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो वो आपने खुद करना है, नियमों को आप पढ़ चुके हैं लिख चुके हैं, तो इसका आपने नेगेटिव भी बनाना है, इंटरोगेटिव भी बनाना है और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाना है, ठीक है, इसी सेंटेंस का। उसके बाद सेकंड सेंटेंस दे रहे हैं, चपरासी पानी नहीं ला चुकेगा, हमने इसका सीधा ही नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, ठीक है, क्या बनेगा, द पियोन विल नोट हैव, हमने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब जो हमारी विल हैव या सेल हैव है, नेगेटिव सेंटेंस में विल और हैव के बीच में या सेल और हैव के बीच में हम नोट लगा देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द आया यहाँ पे, तो द पियोन विल नोट हैव और ब्रोट वाटर, ब्रोट क्यों आया है, क्योंकि ब्रोट थर्ड फॉर्म है, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म हम इसका यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट वाटर। तो आपने इस सेंटेंस का हमने नेगेटिव बनाया है, आपने इसका सिंपल बनाना है और इसका इंटरोगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बनाना है। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, क्या सीता रोटी खा चुकेगी, अब यहां पर क्या शब्द आया शुरू में और अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या बनेगा, विल, विल क्यों आया, क्योंकि सीता जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हमेशा विल का प्रयोग करेंगे, विल, और उसके बाद सब्जेक्ट सीता फिर लगाएंगे है। तो आपने ये फॉर्मेट याद रखना है कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट से पहले सेल या विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, तो विल सीता हैव, उसके बाद हमारा वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स यानी कि ऑब्जेक्ट या जो कुछ भी है वो लगा देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपने इस सेंटेंस के, मैंने ये इंटरोगेटिव बनाया है, आपने इसका सिंपल नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव ये भी बनाना है। लास्ट हमारा जो सेंटेंस है, क्या वर्षा नहीं हो चुकेगी, अब क्या भी है यानी कि इंटरोगेटिव है और नहीं है तो नेगेटिव भी है, तो किस प्रकार का वाक्य है, यह है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसके अंदर क्या करेंगे हम, जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस था जी वाला, इसके अंदर हमने इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो इंटरोगेटिव के अंदर क्या करेंगे हम, जो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है उसके अंदर क्या करेंगे, क्या वर्षा नहीं हो चुकेगी, विल स्टार्टिंग में आएगा क्योंकि यह है कौन सा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, और इसके बाद हैव से पहले हम नोट का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जैसा कि हमने ये बनाया था वाक्य ऊपर, विल सीता हैव ईटन ब्रेड, इस प्रकार का वाक्य था, तो उसमें सब्जेक्ट के बाद हम हैव से पहले नोट का प्रयोग करेंगे, तो क्या बनेगा, विल इट नोट हैव और रेन, रेन रेन रेन, ये वर्ब की फॉर्म हो गई हमारी। तो इस प्रकार की एक्सरसाइज खत्म होती है और ये टेंस भी खत्म होता है। तो आपने इसके इसके भी चार, इसके भी चार, इसके भी चार और इसके भी
चार, ठीक है। हमने इसके टोटल 16 सेंटेंस बनेंगे। आप इसको लिखें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपकी स्क्रीन के शुरू में दिया जाता है, आप वहां से देखें और उसके ऊपर सेंड करें, ठीक है। बहुत से बच्चों के जो एक्सरसाइज हम देते हैं उस पर आ रही है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप भी बच्चे इसको करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो शुरू में स्क्रीन पे दिया गया है उसके ऊपर आप इसको सेंड करें। तो वीडियो को देखते रहें, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगला टॉपिक लेके हम मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय।